बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आप जलाना चाहते हैं भारत दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। ईशान में अगर कोई मंडूत कोई शैतान ऐसे ऐसे आपत्तिजनक भाषा बोलता है, आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, बर्दाश्त होगी। देखिए ये FIR है जो कि मैंने अभी शाहीनबाग थाने में दी है। कोई भी मुसलमान, क्या मैं ये कहता हूँ कि कोई हिंदू हो या किसी भी और धर्म से, वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं ये अपने सारे हिंदू भाइयों से भी यही कहना चाहूँगा कि उनको भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कोई भी कुछ भी अनर्गल बातें करके शोहरत पा रहा है, उसका सिर्फ रीज़न यही है कि गवर्नमेंट सत्ता पक्ष इस पर सीरियसली नहीं देख रहा, जबकि बहुत गंभीर समस्या है जिसे। लेकिन इस मनहूस की, इस शैतान की, इस मर्दूत की गिरफ्तारी जरूरी है। हम सब मिलकर, पूरा शाहीनबाग, पूरा ओखला मिलकर के इस शैतान के खिलाफ सड़कों पर आंदोलित होगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, इन पुलिस से भी कहती हूँ, मैं लगातार इस बात को हमेशा से अपने सोशल मीडिया तमाम उन चैनलों के माध्यम से इस बात को हमेशा उठाती रही हूँ कि आप सब सारे जुल्म आपके बर्दाश्त बिल्कुल खुशी खुशी गले लगाएंगे, लेकिन हमारे नबी पाक की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं की जाएगी। अगर कोई ये सोचता है कि आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किसी धर्म गुरु के बारे में, हमारे नबी के बारे में कर कोई सस्ती राजनीति कर सकता है, तो कहना चाहती हूँ मर मिटेंगे उस नबी के ऊपर। लेकिन बिल्कुल भी आज जो ये दोस्तानाशाह सरकार है, ये कहती है जाइए और ऐसे आपत्तिजनक बयान दीजिए, कह देना चाहती हूँ, चेता देना चाहती हूँ, बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। मैम यदि नरसिंहानंद जो कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ के बारे में कड़े शब्द गए थे, FIR हुआ था, गिरफ्तारी तो उन्होंने माफी मांगा। देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है, ये नरसिंहानंद सरस्वती जो ये व्यक्ति है, ये मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि ये किसी का सगा नहीं है, ये किसी का हमदर्द नहीं है, ये रावण की बातें करता है, ये रावण को सही बताता है, ये कहता है कि रावण सही था। तो जाहिर है मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहती हूँ कि देखिए ये किसी का सगा, अगर बीजेपी वाले जो है जिस तरीके से शह दे रहे हैं, कहना चाहती हूँ कि देश को बर्बाद, आपसी अमन भाईचारा बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होने देंगे। ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, अगर कोई इसको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो ये नहीं होने देंगे। ये यति नरसिम्हानंद का पुतला है जो अभी ले जाया जा रहा है। इनके खिलाफ केस दर्ज करने के बाद इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। जिस तरीके से नरसिम्हानंद ने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ हमने शाहीनबाग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी है, FIR की मांग की है और इसकी गिरफ्तारी की मांग की है। सिर्फ FIR करने मात्र ही सिर्फ इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आज इसको हम लेकर आए हैं, इसको यूं नहीं छोड़ा जाएगा कि गुस्ताखे रसूल है ये। इसने हुजूर पाक की शान में जिस तरीके से गुस्ताखी की है, इस गुस्ताखी की माफी नहीं होनी चाहिए। शान में गुस्ताखी करता है, गुस्ताखे रसूल है ये नरसिम्हानंद। इसको लेकर आज हमने, इसको हम लेके जा रहे हैं, इसको लेकर जा रहे हैं, पकड़ करके ले आए हैं इसको। नरसिम्हानंद जो कि गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखी की है, ऐसा मर्दूद, ऐसा शैतान जिसने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की है, ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं जो आप और मैं नहीं सुन सकते। वो नरसिम्हानंद जो लगातार हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करता रहता है, हमेशा हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करने वाला मर्दूद नरसिम्हानंद, ये नरसिम्हानंद जिन्होंने गुस्ताखे रसूल है, जो जिन्होंने गुस्ताखी की है, अल्लाह के रसूल के खिलाफ बोला है,
के यहाँ पर जिस तरह से जलाया जाएगा पुतला, तो पुतले को चप्पल मारी जा रही है और यहाँ पर देखिए आग लगाई जा रही है और पुतला भूखा जा रहा है। देखिए बहुत नाराज़ हैं यहाँ के मुसलमान इन चीज़ों को लेकर के। ये शाहीन बाग है, यहाँ पर देख लीजिए ये शाहीन बाग है। किसी भी तरीके से यहाँ शाहीन बाग में अगर हमें धरने पर बैठना पड़ेगा हम बिल्कुल बैठेंगे। बर्दाश्त हो सकता है बताइए? हुजूर पाक की शान में अगर कोई मर्दूद कोई शैतान ऐसे ऐसे आपत्तिजनक भाषा बोलता है आपत्तिजनक टिप्पणी करता है बर्दाश्त होगी? हो सकता है बर्दाश्त? इसलिए आपत्तिजनक भाषा बोली है और ऐसी भाषा बोली है, जल्द से जाइएगा, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, चेक कीजिएगा क्या कहा है इसने। अगर आप मुसलमान है तो सोचिएगा कि ऐसे ऐसे मर्दूद क्यों बोलने पर आज ये ऐसे ऐसे लोग जो बोलते हैं आपत्तिजनक भाषा बोलते हैं और इनको छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम सब सो रहे हैं, हम सब सो रहे हैं और हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही है क्या? है ऐसा? जरूरत पड़ेगी मैं ऐलान करती हूँ बड़ा आंदोलन करूंगी। 101 दिन तक सड़क पर बैठे थे, मेरे हुजूर पाक की शान में कोई गुस्ताखी करेगा सड़क पर बैठूंगी, आमरण अनशन करूंगी, जैसा बड़ा आंदोलन जैसे शाहीन बाग में हुआ था हम फिर से वही आंदोलन करेंगे, लेकिन हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी तरीके से गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। इसीलिए आज इस शैतान को आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ। किसी भी तरीके की माफी नहीं हो सकती इसकी। कानून और संविधान के तहत हम लोग कानून से मांग करते हैं, ऐसा ना हो पुलिस जो रवैया अपना रही है ऐसा ना हो कि लोगों का विश्वास कानून से टूट जाए। हम संविधान के तहत कानून के तहत हम मांग करते हैं, जल के भस्म हो गए। देखिए अभी तक जो मेरे सुनने में आया कि 6 से ज्यादा FIR हो चुके हैं। मैं खुद अभी शाहीन बाग थाने में गया था, मैंने महाराज यति नरसिंहानंद जो कि महान डासना देवी मंदिर के महान थे उसके खिलाफ़ मैंने FIR करी। असल में क्या है, ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और इसका काम ही यही है कि मुसलमानों के अगेंस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ बकवास करते रहना, जो कि इसने अभी भी करी है और अभी इसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी है, जिसके लिए अगर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता था मुसलमान अपना आराम से सुन लेते थे, लेकिन अब इसने मुसलमानों के जो सबसे जो पूरी दुनिया के इमाम हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़िलाफ़ में इसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, ऐसी अभद्र भाषा जिसका मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता और जो कि कोई भी मुसलमान होगा वो कह भी नहीं पाएगा। सिर्फ इतना कह सकता है कि अभद्र भाषा का इसने इस्तेमाल किया। अब इसका खिलाफ़ क्या होता है, इसके ख़िलाफ़ पहले भी ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले भी इस तरीके की हरकतें करता रहा, इसके अगेंस्ट में FIR भी हुई है, लेकिन ये गिरफ्तार होता है, गिरफ्तार होकर फिर छूट कर आ जाता है और फिर अपने इसी काम में लग जाता है, जो कि इसने अभी भी 29 तारीख हिंदी भवन जो कि लोहिया नगर गाज़ियाबाद में पड़ता है, गाज़ियाबाद में इसने इस तरीके की बात कही है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कि कोई भी मुसलमान क्या मैं ये कहता हूँ कि कोई हिंदू हो या किसी भी और धर्म से वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं ये अपने सारे हिंदू भाइयों से भी यही कहना चाहूँगा कि उनको भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। असल में इन लोगों का क्या हो गया, असल में ये क्या करते हैं कि अब इनको एक सॉफ्ट टारगेट कौन है, मुसलमान सॉफ्ट टारगेट मुसलमान है, मुसलमानों के नबी जो आखिरी नबी थे पैगंबर जो पूरी दुनिया के लिए पैगंबर थे उनके खिलाफ ये कुछ भी बोल देते हैं। अब कुछ भी बोलने के बाद इनके अगेंस्ट में FIR तो होती है लेकिन उसका कोई रिजल्ट कुछ नहीं आता। अब जब कुछ आउटपुट नहीं आता तो इनको भी लगता है कि करना क्या है, अगर हमें मीडिया में बने रहना है हमें सुर्खियों में बने रहना है तो मुसलमानों को कुछ ना कुछ कहते रहो, दिन भर गाली देते रहो। इतनी बड़ी बात बोल दी शायद आप भी चीज़ को रिपीट नहीं कर पाएंगे। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मैं क्या कोई भी मुसलमान नहीं रिपीट कर पाएगा उस चीज़ को, जो मुसलमान पांचों वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है या जो मुसलमान पांचों वक्त की नमाज़ भी नहीं पढ़ रहा है जिसके दिल में ज़र्रे भर भी ईमान है वो मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता जो इसने ऐसे अल्फाज कहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये सबके पास पहुँच रहा है और मैं तो ये बोलूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को ये सुमोटो एक्शन लेना चाहिए इसके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके की हरकत, ये देखिए ये FIR है जो कि मैंने अभी शाहीन बाग थाने में दी है।
और ये इस तरीके की FIR मैं बोल रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में 17,535 थाने हैं, हर थाने के अंदर इस तरीके की FIR होनी चाहिए। पूरे देश में 800 ज़िले हैं, 800 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट असल में क्या है, मुसलमान एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकता है, प्रोटेस्ट करने के साथ साथ वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकता है। अब सरकार में कौन बैठा हुआ है, यूपी सरकार में योगी जी बैठे हुए हैं, योगी जी का खुद का इसी तरीके का काम है। तो अब महंत जो है FIR के लिए हेल्प की ज़रूरत हो, अब जो महंत नरसिंहानंद है उसको भी ये लगता है कि यार जो योगी ने किया वही मुझे भी करना है, इसीलिए आज जो योगी मुसलमानों के अगेंस्ट में बोल बोलकर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, अब उसी तरीके के हाल ये इस तरीके के कर रहे हैं। उससे पहले रामगिरी महाराज जो कि महाराष्ट्र में है उसने भी इसी तरीके की बात कही थी, लेकिन हुआ क्या, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम ये चाहते हैं, मैं क्या, हर मुसलमान ये चाहता है कि इसके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इससे पहले भी बहुत सारे नाज़ेबा कलिमात इन्होंने कहे थे, अभी तक गिरफ्तारी कभी होती नहीं है। सर इस FIR से क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए FIR से मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि कितना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमको क्या है, हमको जिंदा अपना ये तो दिखाना है कि ये फॉर्म जिंदा है। हम FIR करते रहेंगे और उसके अगेंस्ट में कराते रहेंगे FIR, जितना हो सकता है हम पीसफुल्ली शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और मैं अभी मैंने ये दी है, कॉपी दी है, और इसके बाद मैं इसका पूछूंगा कि ये इस FIR पर मेरा आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मैं थाने में जाकर पूछूंगा। अगर नहीं होता तो इसके बाद इंशाल्लाह प्रोटेस्ट भी किया जाएगा इसके अगेंस्ट में, ये है, क्योंकि इन लोगों का तरीका अब यही बचा है कि इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी धर्म के खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को कोई इजाज़त, अब जो हमारा जो कानून है वो इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके वाली बात करें, तो ये लेकिन ये कर जाता है क्योंकि इसको कानून का डर ही नहीं है। बार बार मुसलमानों को क्यों उकसाया जाता है इस तरह? हाँ सर, मैं बताऊँ, इससे पहले भी देखा कि कई सारे ऐसे मान होते हैं, करा देता है, उनको नाम लिखवाता है, दिल्ली में ही हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है ना, असल में क्या है कि हमारे यहाँ पर कानून तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ताकत तो मिली हुई है, लेकिन ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने पे लगे हुए हैं, इसी वजह से ये, इनको भी पता है कि हमारे खिलाफ FIR भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमें सज़ा मिल नहीं पाती, सज़ा नहीं मिल पाती। अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने बोला था, उनको क्या सज़ा मिली, कुछ सज़ा नहीं मिली अभी तक। साहब इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बयान दिया है, ऐसा नहीं लगता कि मुसलमान अब कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ है, इस वजह से एक आप हो गए, कुछ पुरानी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, शाहीन बाग में भी पुतला जलाया गया था थोड़ी देर पहले, तो कुछ ज़्यादा डरे हुए नहीं है हर मुसलमान? नहीं, 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 नहीं बोल, देखिए असल में क्या है, डरा हुआ नहीं है मुसलमान, हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहता है, और मुसलमान वही काम करता है कि जो कानून के दायरे में रहकर किया जा सके, इसीलिए डरा हुआ कोई नहीं है, ना कोई डरता है। जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो सड़कों पर उतर कर भी दिखाएंगे। अच्छा इसमें जो प्रधानमंत्री वो क्यों नहीं बोलते इन सब चीज़ों? देखिए मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को इस तरीके की चीज़ें बोलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, हो सकता है कि अभी इलेक्शन है, जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, कल लास्ट फेज़ है वोटिंग का, और हरियाणा में इलेक्शन है, उसमें तो अभी जम्मू कश्मीर में जब हम देखते हैं तो मोदी जी थोड़े से लीनियंसी दिखा रहे हैं, क्यों आपको भी पता है क्यों दिखा रहे हैं, हरियाणा में थोड़े से उनके बोल इस तरीके के हो जाते हैं, जबकि 2024 का जो यूनियन इलेक्शन था उसमें भी उन्होंने खूब मंगलसूत्र की बातें करी, खूब आपको पता है कि किस किस तरीके की उन्होंने बातें करी कि आपका धन लेकर हिंदुओं से उनकी प्रॉपर्टीज़ लेकर मुसलमानों को दे दी जाएगी। अगर वो भी थोड़ा सा अपनी ज़बान कंट्रोल करें तो ये लोग, ऐसे जो छोटे मोटे लोग हैं, ये खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे। तो किस तरह से लगाम लगाया जाए इन पे, आप भी देखिए, लगाम का तरीका यही है कि कानून के दायरे में रहकर कानून की सख्ती इनके ऊपर होनी चाहिए। कानून से तो डरते नहीं सर, अब ये कानून से नहीं डरते तो इनके अगेंस्ट में हमेशा मुसलमानों को इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि जो यहाँ पे इनका केस जब अदालत में पहुँचेगा, और अदालत को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर इसी तरीके के लोग इसी तरीके की बात करते रहे
चाहे वो ये एक तरीके की सनातन जो संस्कृति है उसको भी ख़राब कर रहे हैं, ये हिंदुओं को भी थोड़ा सा भड़का कर नाखुश रहते हैं काफ़ी हिंदू। तो देखिए आप ये देखिए कि बोलते हैं ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ, महंत यति नरसिंह नंद जो है दूसरे महंतों के खिलाफ बोलता है, इनको पता है कि किस चीज़ में इनको लाइमलाइट में बने रहना, उनको पता है कि हमेशा इसके खिलाफ बोल कर ये थोड़ा सा इल्ज़ाम भी लगाते हैं, एक दूसरे बाबाओं को ये बलात्कारी भी कहते रहते हैं, तो ये इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं पहले। लेकिन ये है कि जब मुसलमान को ये लगता है कि इनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई होती नहीं है तो उनको ये लगता है कि पीसफुली प्रोटेस्ट करने का फ़ायदा क्या, कहीं ना कहीं मुसलमान जो है वो नाउम्मीद रह गए। देखिए अभी मैंने आपको बताया वो नाउम्मीदी की वजह यही है क्योंकि इनके अगेंस्ट में प्रॉपर सबूत नहीं मिल पाते, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती, इस वजह से सबूत रह जाते हैं। आखिरी सवाल जी, जब आपने ये वीडियो देखी जिसके लिए आप एफआईआर करके आए, उस टाइम आपको क्या महसूस हुआ, क्या कहना चाहेंगे उस वक्त? देखिए मैंने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर किसी के दिल में ज़र्रा भर भी ईमान है ना, वो वीडियो वो देखेगा तो उसको मतलब इतना बुरा लगेगा, वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मुसलमान को आप मुसलमान सरकार से नौकरी नहीं मांगता जाकर कि हमें सरकारी नौकरी दे दो, मुसलमान ये नहीं कहता कि हमारी एजुकेशन लिटरेसी रेट इतना कम है आप हमें एजुकेशन दिलवाइए, मुसलमान को ये पता है कि हमें मांगना क्या है, एक तो सिक्योरिटी और दूसरा सिक्योरिटी इन व्हाट सेंस, सिक्योरिटी ये कि भाई ये जो लिंचिंग हो जाती है ये इसी किसी भी तरीके से कहीं पे भी पकड़ कर उनको बंद कर दिया जाता है, इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये आतंकवादी है, ये चोर है, ये उचक्का है, हर तरीके से उनको परेशान किया जाता है, मुसलमान को एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, ठीक है, एक ये पॉइंट हो जाता है। दूसरा ये कि मुसलमान को अगर ये लगता है कि जिस हिसाब से इन्होंने कोई भी आकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुछ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लेता है, मुसलमान का खून तो खोलता है लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता, कर यही सकता है कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा सकता है बस। जी आप क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? हाँ सर, जैसे कि अभी हम लोगों ने जाके थाने में FIR कराई थी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दूसरी बात, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कोई भी कुछ भी अनर्गल बातें करके शोहरत पा रहा है, उसका सिर्फ रीज़न यही है कि गवर्नमेंट सत्ता पक्ष इस पर सीरियसली नहीं देख रहा, जबकि एक बहुत गंभीर समस्या है जिसे गवर्नमेंट को गंभीरता से लेना चाहिए और ये एग्जांपल सेट करना चाहिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर, भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी की धार्मिक मर्यादाओं से इस तरह से छेड़छाड़ की जाती है, उनको दुख दिया जाता है, तो इस पर बहुत ही एक सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी पैगंबर के बारे में या किसी भी देवी देवता के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी ना करे।